गोरखपुर जिले में सीएम योगी ने गुरुवार को रामगढ़ ताल में बने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने ताल की जेटी पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जिस गोरखपुर के नाम से 15 से 20 साल पहले भय होता था, वही गोरखपुर अब आधुनिक सोच के साथ विकास और रोजगार का संगम और नया पर्यटन हब बन रहा है। इसके आगे उन्होंने कहा कि रामगढ़ ताल में क्रूज की सुविधा पहले ही शुरू हो गई थी, आज फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का भी शुभारंभ हो गया है। अब प्राकृतिक झील के किनारे जलपान और भोजन करने का मन हुआ तो यह सुविधा गोरखपुर में ही उपलब्ध हो गई है। वहीं इस अवसर पर उन्होंने गोरखपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय परियोजना ग्रीन वुड अपार्टमेंट के 7 आवंटितों को आवंटन प्रमाण पत्र का वितरण भी किया। रामगढ़ ताल गोरखपुर की गंदगी का, गोरखपुर के अपराध का एक गढ़ बन चुका था। ये सारी चीजें उस समय गोरखपुर के अंदर थी। फर्टिलाइजर कारखाना बंद हो चुका था, बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्वयं बीमार था, दिन भर जाम में लोगों को फंसना पड़ता था। सर्किट हाउस में अगर कोई अतिथि आ गया, कोई मंत्री आ गया, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी यहां अलग से फोर्स लगानी पड़ती थी। लेकिन आज गोरखपुर की सड़कें 4 लेन और 6 लेन की हो चुकी हैं। आज गोरखपुर का एयरपोर्ट सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक है। आज गोरखपुर में रेलवे की बेहतरीन कनेक्टिविटी है। आज गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चालू हो चुका है। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज आज स्वास्थ्य के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में आगे बढ़ा है और एम्स भी आज गोरखपुर में संचालित होकर के अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को यहां के नागरिकों को उपलब्ध करवा रहा है। रामगढ़ ताल जो कभी स्वयं मृतप्राय सा हो गया था, आज 1800 हेक्टेयर क्षेत्र में एक बेहतरीन प्राकृतिक झील के रूप में पूरे देशवासियों को, हर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहां पे अब नए नए होटल बन रहे हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने यहां पे क्रूज सेवा प्रारंभ की थी और आज एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो 3 मंजिला है उसको भी आज यहां प्रारंभ किया जा रहा है। ये सुविधाएं परिवार के साथ अगर किसी का मन हुआ कि हम किसी झील के किनारे परिवार के साथ आज जलपान करेंगे, आज दोपहर का भोजन करेंगे या आप रात्रि का भोजन करेंगे, हो सकता है कभी सद्गुरु भी आए और रवि किशन जी ही बोले कि मैं गोरखपुर वालों से बोलो को आज यहाँ पे 150 लोगों को 300 लोगों को एक साथ भोजन करवाना चाहता हूं। भगवान करे अभी ऐसी बुद्धि आई गई तो बगल में उनका घर है।